सही तो बोल रहे हैं। Why not the India and it is the United States of America? ये पागल, वो इसलिए है because the United States of America में states common noun है, जैसे कि a girl, book, nation, ये सब जातिवाचक संज्ञा यानी common nouns के एग्जाम्पल है। इन शब्दों के आगे the यूज किया जा सकता है। सब बाउंसर जा रहा है यार। चलो इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट्स दो प्रकार के होते हैं, वावल्स और कॉन्सनेंट्स। ए ई आई ओ यू ये अल्फाबेट्स को वावल्स कहा जाता है और बाकी के अल्फाबेट्स को कॉन्सनेंट्स कहा जाता है। अ और एन इंडेफिनिट आर्टिकल्स है और द एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल्स अक्सर नाउंस के साथ यूज करते हैं और कभी कभी एडजेक्टिव्स के साथ भी यूज होता है। चलिए अब देखते हैं कि इन आर्टिकल्स को यूज कैसे करते हैं। अ अक्सर कॉन्सनेंट्स यानी इन अल्फाबेट से स्टार्ट होता है और एन वावल्स यानी ए ई आई ओ यू के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता वॉज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग एन ऑटोबायोग्राफी। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, अ बॉक्स, अ पैसेज, अ पेंसिल, अ क्ले पॉट, अ प्लांट, an umbrella, an elephant, an apple, an eggplant, an ostrich. So, A for consonants and N for vowels. But is rule ke kuch exceptions hai, jaise ki an honest man, an MBA, an hourglass. Ab ye sare words honest, MBA aur hourglass vowels se start nahi hote, par unke sounds vowels jaise hai. Confuse? Let me explain further. Honest man इस शब्द में on sound use होता है और h silent है। Similarly, MBA इस शब्द में m sound use होता है। कुछ ऐसे भी words है जो vowel से start तो होता है पर उनके sounds consonants जैसे है। For example, a union, a eulogy, a once in a lifetime opportunity. तो articles use करते वक्त हमेशा syllables के sounds पर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद है आपको a और an का उपयोग समझ आया हो। जैसे आप देख सकते हो, अ उन वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है जो कॉन्सनेंट से शुरू होता है। आप ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हैं और हम जल्द से जल्द उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब चलिए देखते हैं द के उपयोग को। द एक डेफिनेट आर्टिकल है और हिंदी में इसे यहाँ, वहाँ या वही कह सकते हैं। इसका उपयोग किसी यूनिक लोगो या वस्तुओं के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर, द पार्लियामेंट या फिर द सीईओ। द का प्रयोग फेमस बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के साथ भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द आईफिल टावर, द ताजमहल एक्सेट्रा। क्या आप कुछ फेमस बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल्स बता सकते हैं? कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू लेट्स ट्यूट इंग्लिश मास्टर जी। द का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउंस के आगे होता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज एन एनिमल, द फिल्म वॉन एन ऑस्कर। यहाँ नाउंस काउ और फिल्म दोनों ही सिंगुलर है। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन के साथ भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्डेस्ट, द बेस्ट, द यंगेस्ट। और हाँ, द उन देशों के साथ भी यूज किया जाता है जिनके नाम में किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। सो नाउ यू नो कि व्हाई इट्स नॉट द इंडिया बट इट्स द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उम्मीद है आपको अ एन और द के प्रयोग के बारे में समझ में आया हो। नीचे कमेंट करके बताइए आपको इंग्लिश बोलते वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और शुरू रखें अपना अंग्रेजी से इंग्लिश तक का सफर लेट्स डू इंग्लिश मास्टर जी के साथ। थैंक यू।